सो ठीक है, रिकॉर्डिंग वहाँ ठीक रिकॉर्डिंग वहाँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट सी केयरफुली, मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर एक डेटा है, काफ़ी अच्छा डेटा है। लेट मी शो यू डेटा लिंक, दिस वन। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस लिंक टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डाउनलोड द डेटा फ्रॉम दिस लिंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। सो जस्ट सी, दिस इज द डेटा, ओके, दिस इज द डेटा। सो यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दिस डेटा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड दिस डेटा। सो लेट मी शेयर द लिंक फॉर दिस डेटा। देखो ये लिंक है डेटा का, सो आप इस लिंक से इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए सभी डेटा को, ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट दिस डेटा। सभी लोग आराम से लिंक ले लीजिए और धीरे धीरे आराम से डाउनलोड करिए, तब तक मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए इस डेटा के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, कंटेंट लिखा हुआ है, सब कुछ डेटा के बारे में है, एवरीथिंग है, ठीक है। सो ठीक है, इस डेटा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है, एक एक करके देखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें समझाने की कोशिश करो। देखो ठीक है, ऑल दो देयर हैज बीन लॉट ऑफ स्टूडेंट अंडरटेकन इन द पास्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिव लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंसिडरिंग डेमोग्रेटिक वेरिएबल्स, लाइक डेमोग्रेटिक समझते हो ना, जैसे कि पोजिशन, जैसे कि अभी तो इंडिया इधर है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, कोई कंट्री मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, फिर मिडिल ईस्ट हो गई, फिर तुम्हारा जैसे कि यूरोप हो गया है ना, अमेरिका हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक का डेटा है, ठीक है। सो इनकम, इनकम समझ रहे हो ना, जो पर जीडीपी होता है ना, पर इनकम होता है वो, मॉडरेटेड क्या है, इट वाज फाउंड दैट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट इन पास्ट, ऑल्सो सम ऑफ द पास्ट रिसर्च वी डन कंसिडरिंग मल्टीपल लेयर्स बेस्ड ऑन द डेटा सेट ऑफ द योर ऑल कंट्रीज, हियर आर गिवन मल्टीपल रिसर्च मॉडल बेस्ड ऑन द, तुम पढ़ पा रहे हो ना डेटा को? देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझा रहा हूँ क्या ऑल कंट्री। देखो ये बोला है कि 2000 से लेकर 2015 तक के ऑल कंट्री का डेटा दिया हुआ है, राइट। तो एक एक करके ब्रेक करते हैं, पहले यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक डेटा को देखते हैं 2015 तक। तो नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दिस डेटा। देखो इस डेटा को देखो, ये डेटा है आपका, इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, सी फर्स्ट कॉलम्स, डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। सो नाउ वी हैव डेटा लाइक कंट्री, ईयर, स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट, सी सब कुछ, अल्कोहल परसेंटेज, ठीक है, हेपेटाइटिस बी है ना, सब बीएमआई जो भी है सब कुछ डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, इनकम कमीशन टू रिसोर्स। तो देखो ये डेटा तुम्हारा, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यूई है, ठीक है। अपन धीरे धीरे इसको पहले एनालाइज करते, डेटा को ध्यान समझो, पहले देखते हैं कितनी कंट्री है डेटा के अंदर, ठीक है, राइट। लेट्स सी द कंट्री की कितनी कंट्री है इसके अंदर, सो लेट्स ट्राई टू सी दैट वन। इसको एक एक चीज करके देखना पड़ता है, ठीक है। सो एनालाइज कर, मैंने भी एनालाइज पर्सनली कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं करा कभी, एक बच्चे ने बताया था कि बहुत अच्छा डेटा है, तो मैंने इसलिए लिया। सो इसकी लेंथ चेक करते हैं कितना है इसके अंदर, कितनी कंट्रीज है। सो नाउ लेट्स सी दिस, तो टोटल 193 कंट्रीज है, ओके, देयर आर टोटल 193 कंट्रीज, ठीक बात है। इफ यू वांट टू चेक कौन कौन सी कंट्री, टोटल कंट्रीज कितनी दुनिया में बताएगा, तो गूगल कर लो, बताओ ना, मुझे नहीं पता, तो गूगल कर बताओ कितने कंट्री टोटल दुनिया में। 196 अच्छा 96, ओके, एंड हियर वी हैव 93, मतलब तीन कंट्रीज कोई अलग अलग है जो इसमें नहीं होगी, फिर बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है। सर 195 अच्छा ठीक है, एक दो कंट्रीज मिसिंग है इसका मतलब, ठीक है, लेट्स सी द इंडिया है कि नहीं इसमें। इंडिया है, ठीक है। सो बहुत सारी कंट्रीज है इसके अंदर, एक काम करते हैं अपने हिसाब से बात करते हैं, हम एक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं डेटा को। तो इसमें सबसे विकसित कंट्री कौन हो सकती है, लेट्स सी, ये हो सकता है एक बार को
ऐसे तो इससे नहीं कह सकते, बट फिर भी चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसको लेते हैं एक बार, मतलब एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे वर्स्ट नेशन और बेस्ट नेशन देख, डेटा को देख रहे, कुछ कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा फिलहाल। एक काम करते हैं, एक तो ये कंट्री पकड़ते हैं, ठीक है, और सबसे वर्स्ट कौन हो सकता है कंट्री इससे, अफगानिस्तान नहीं, 2010 से 15 के बीच में तो सबसे वर्स्ट नेशन अफगानिस्तान नहीं हो सकता ना, इस बीच में तो, इस बीच में वो नहीं हो सकता ना, कोई और कंट्री सबसे वर्स्ट कंट्री कौन हो सकता है डेवलपमेंट वाइज ह्यूमन इंडेक्स में, सोमालिया, कोई गूगल करके बताओ ना यार, कोई ना, हम एक्चुअली एनालाइज करना चाहते हैं डेटा को, ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, एक सेकंड में जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, हाँ यार बताओ कोई गूगल करके एक बार, कोई जन बताओगे, नहीं बताओगे, ऑडिबल नॉट ऑडिबल, आवाज आ रही है यार, यस सर, यस सर, कौन हो सकता है, कोई गूगल नहीं कर रहे हो, चलो एक बार को अफगानिस्तान को मांगते हैं, ठीक है, वैसे तो वो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो एक बार एनालाइज करने को, वैसे भी कौन सा यूएस सबसे बड़ा है ह्यूमन इंडेक्स में, तो एनालाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, अब अपने पास डेटा है, ठीक है, दो फिल्टर लगाते हैं, एक तो इससे फिल्टर लगाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे, ठीक है, इसको डेटा वन डाल देते हैं, ठीक है, डेटा वन इज इक्वल टू डेटा, डेटा क्या नाम था उसका, कॉलम कंट्री, सॉरी, तो कंट्री में उसको पुट करते हैं, इसको यहाँ पे अंदर जाओ, इसको कर लो और ये डाल दो, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डेटा वन डॉट हेट, ये एक हमारा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, और दूसरा एक डेटा बनाते हैं अफगानिस्तान के लिए, इसका नाम रखते हैं डेटा टू, कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है, इसका नाम रखते हैं डेटा, ठीक है, तो अपने पास दो कंट्री हो गए, एक हो गया डेटा वन डॉट है, एक हो गया टू डॉट है, ये अफगानिस्तान हो गया, और ऊपर वाला जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, राइट, कंट्री है, ईयर है, स्टेटस है, ठीक है, तो देखो इसका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 79.3 है, और इसका जो है 65 है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं जरा सा डेटा लेके आते हैं, मतलब अंतर तो काफी कम है, बट एक बार ना डेटा का एवरेज देख लेते हैं तब ज़्यादा आइडिया रहेगा, क्योंकि ये भी ज़्यादा आइडिया लेने पा रहा है, तो इसको कैच करो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, और यहाँ पे आओ, अच्छा किसको किसको पता है व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पता है किसको क्या होता है ये, हाँ भाई कोई बताएगा, सर शायद से लाइक बॉर्न से डेथ तक के बीच का टाइम ऐसा कुछ, नहीं नहीं ऐसा कुछ होता है क्या, सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लैनेट के लिए सुनना है कि जिंदा रहने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, अब गूगल करो भाई, अब देखो गूगल में क्या लिखा है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पढ़ो गूगल पर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डेटा स्टडी आ गया,
क्या लिखा है बताओ, कुछ नहीं लिखा है। हाँ वो ही है। चलो क्या लिखा है आप, क्या लिखा है बताना। सर, एन नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कितने साल जी सकता है। अच्छा, यहाँ पे स्पेस है इसलिए गलत हो रहा है, मैं इसको समझ क्या है। अच्छा यार ठीक है, देखो मैक्सिमम 89 है तो यूएस केस में नहीं है फिर ये, राइट। देखते हैं किसी केस में, ये भी देख लेते हैं, मिनिमम भी देखते हैं क्या है, और इसका एवरेज भी देखते हैं। 36.3 है, ये शायद तो हो सकता है गड़बड़ डेटा हो, बट चलो एवरेज देखते हैं, एवरेज बढ़िया लग जाएगा। 69 एवरेज है तो इसका, तो फिर अफगानिस्तान का कितना था, 65। अच्छा एवरेज से बिलो है अफगानिस्तान का। एक मिनट, अगर अफगानिस्तान का देखो चाहो ना तो आइडिया लग जाएगा। अगर मैं इस पर डेटा 2 लग दूँ यहाँ पे अफगानिस्तान के केस में और इसका एवरेज लगेंगे ना तो ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा हमें। तो 58 point something है अफगानिस्तान का, और अमेरिका का अगर देखना चाहो तो अमेरिका देख लो यहीं पर लगे हम, तो कुछ आइडिया लगेगा डेटा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डालो ये और इसको डालो ये और इसका नाम रखो डेटा 1, डेटा 2। 78 point something है इसका है, 58 वहाँ होना भी चाहिए ना, यूएस और अफगानिस्तान में इतना डिफरेंस। ठीक है क्या डेटा, अरे लोग कहाँ ना जीते जीते होंगे, अमेरिका में या अफगानिस्तान में। अमेरिका। अरे कौन है भाई, कौन है ये भाई, ये कौन ऐसे बोला है, फिर से बोला, बड़ा मजा आया, क्या आवाज ब्रेक हो गई है। अच्छा अमेरिका, अच्छा आवाज कट हो गई, बड़ा एक अलग सी आवाज आई। ठीक है कोई बात नहीं, देखो यार तो कहने का मतलब ये है ना कि जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है ना, डेफिनेटली यूएस में होना चाहिए, इंडिया चेक करेगा है कि नहीं, चेक करना चाहिए नहीं, देखते हैं यार इंडिया का भी देख लेते हैं। लगे आप 69 point something सर, चेक कर लिया, ये तीज लड़का होता है, लेकिन वो पता नहीं कब का डेटा होगा। गूगल पे तुमने चेक किया होगा, ऐसे चेक किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप सर्च करोगे सबसे पहले इंडिया का ही लिखा आ रहा है। अच्छा ओके, पर डेटा शायद थोड़ा अलग अलग होगा ना, पता नहीं ये 2000 कब का है, देखो 65 समथिंग है, 2015 का है ना वो, गूगल पता नहीं कब का पड़ा होगा है ना, तो ये थोड़ा सा अलग अलग बात है। बट ये एनी वे, ये इससे अफगानिस्तान का तो बहुत कम है यार, अफगानिस्तान का 58 है राइट, देखो 58 है, और इसका जो है वो 70, मतलब डेफिनेटली यूएस का ज़्यादा होना चाहिए। बट मैक्सिमम चेक करते हैं किस कंट्री का है, मैक्सिमम कितना था, 89 था ना, लाओ चेक करते हैं मैक्सिमम किसका है, कैसे चेक करेंगे, सिर्फ फिल्टर लगाए ना तो आ जाएगा ना, इज़ इक्वल टू कितना था ये, 89.0 था, यहाँ पुट कर देते हैं राइट, और फिल्टर लगाते हैं डेटा पे, फिल्टर लगा देते हैं तो डेटा न्यूजीलैंड में, ये ढूंढ रहा था, ये शायद सबसे ऊपर है ना हैप्पीएस्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड, पता नहीं किसको पता है बट ये ना भाई सबसे ऊपर होता है ये न्यूजीलैंड, उसमें हैप्पीएस्ट नेशन में ना, शायद भूटान भी बहुत ऊपर है, पता नहीं भूटान का नाम इसमें आ रहा है, 11 कॉलम ही है तो मुझे तो 11 तो सारे दिखी, भूटान नहीं है तो। और मिनिमम किसका है, मिनिमम डेटा क्या, 36.3 ये है, पता नहीं कौन सी कंट्री, इसको काम लेस में लगाते हैं, लेस मुझे बिल्कुल 40 कर देते हैं,
देखो भाई ये दो कंट्री हैं, सीरिया है, सीरिया हाँ मैं भी सोचा था, सीरिया की हालत खराब थी ना बीच में, उधर बीच अभी भी पता नहीं क्या है, बट हाँ तो ये तो आना ही चाहिए था, बट इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, 44 देखते हैं लेंगे। या इधर तक कंट्री, जिम्बाब्वे, सीरिया, सीरिया तो होना ही चाहिए वैसे, राइट? ठीक बात है ना, किसी को दिक्कत परेशानी से बताओ, एनीवन एनी दिक्कत। तो देखो हमने एक पता कर लिया कि एक चीज के बारे में पता किया, एक कॉलम के बारे में, आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? देखो कितना एनालिसिस करने में टाइम लगता है, ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ एक कॉलम का एनालाइज किया कि ओके ये डेटा है, ईयर वाइज कंट्री है, और ये तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमने देखा एक कॉलम, अभी मैं ना एक और कंट्री देखना चाह रहा था, नाउ लेट्स सी दैट आल्सो, लेट मी सी दिस, नेपाल, देखो नेपाल नहीं भूटान, सॉरी भूटान ठीक है यार, भूटान में बीएच होता है, मतलब बीएच होता है भूटान ना, क्या 66 पॉइंट, इंडिया से तो ज्यादा है, राइट? इंडिया से ज्यादा है ना, इवन इफ यू चेक नेपाल, यार नेपाल का देखो, नेपाल नहीं है क्या? अच्छा नेपाल इसमें नहीं है, माय गॉड ये तीनों ज्यादा है नेपाल का तो। और व्हाट अबाउट योर पाकिस्तान, पाकिस्तान में देख लो ये सबसे खराब है ना, और मतलब साउथ स्टेट से हम सबसे कम इसी का होगा, पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश भी इससे बेटर होगा, ठीक है। एनीवे तो देखो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे ऊपर वाले जो देश है वो ये हैं हमारे, नहीं खराब वाले हैं, ऊपर वाले ये हैं तुम्हारे बेल्जियम है, फिनलैंड है, एक्चुअली ये डेवलपिंग क्यों है, बेल्जियम डेवलपिंग नेशन है क्या? फिनलैंड, फ्रांस, क्या बात कर रहे हो, जर्मनी डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है, हो सकता है होगा, इससे गलत नहीं होना चाहिए डेटा तो उसका है। खैर न्यूजीलैंड डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है भाई, बेल्जियम, बेल्जियम तो डेवलपिंग, फिनलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम डेवलपमेंट है क्या? चलो ये यूरोप में आता है ना बेल्जियम तो, हाँ बेल्जियम यूरोप में आता है ना यार, वो बेल्जियम वाली चॉकलेट आती है ना, बेल्जियम चॉकलेट तो यूरोप में आता है, डेवलपिंग है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, देखो ठीक है राइट। तो हमें एक तो आइडिया लगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 84-82 के आसपास जा रही है, नहीं 89 के आसपास जा रही है, 90 मतलब मैक्सिमम 90 है, मतलब एवरेज डेवलप्ड नेशन में भी देखा तो 90 ही है राइट, और मिनिमम जो है वो 40 के आसपास कहीं पे है, एवरेज 66-67 के आसपास है, हमने ये पता लगा लिया, और हर कंट्री का अवेलेबल है राइट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी भी हमने एक लगा लिया, तो पता नहीं तुमने देखा है नहीं देखा, ये बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है, पता नहीं तुम लोगों ने केयर किया नहीं केयर किया, और कोई बता सकता है, बता सकता है, मैंने एक बहुत अच्छा चीज ऑलरेडी भी आइडिया लगा लिया, कोई बता सकता है क्या आइडिया लगाया अभी तक डेटा से, एनीवन कैन कुछ बोल सकता है क्या, अभी हमने क्या एक आइडिया लगाया, एक चीज का हमने आइडिया लगाया, चाइना की स्पेलिंग क्या होती है, CHI होती है क्या, बताओ को यार, CHINA, राइट, 74 है, इंडिया जाता है, हाँ भाई बताओ कोई बता सकता है यार क्या हमने भी आइडिया लगाया, आप एक साथ सबको निकालना चाह रहे हैं, नहीं वो तो नहीं, मैं ये देखना मतलब हमें एक ये आइडिया लगा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इस डेटा एनालिसिस से, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट है वो डेवलप्ड नेशन का है, डेवलपिंग नेशन का भी काफी बेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइट। आप ये नहीं बोल सकते से कोई क्लेम कंट्री नहीं कर सकता जैसे इंडिया है कि हम तो डेवलपिंग है हमारी ज्यादा कैसे हो सकती है, मतलब डेवलपिंग नेशन है कुछ उनके भी अच्छे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, सी सी दिस वन, अभी हमने देखा था ना कहीं पे, मैंने भी देख किया था,
ये देखा था हमने, देखो ये कंट्री डेवलपिंग है, देखो इधर डेवलपिंग है राइट, बावजूद किसके, देखो सब डेवलपिंग नेशन है, ये डेवलपिंग नेशन है, बेल्जियम डेवलप्ड है ना फ्रांस देखो, बट स्टिल वी आर गेटिंग वेरी हाई लेवल ऑफ लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइक 89। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया लगा कि ये डिपेंडेंसी नहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हमारा सीधे, मतलब देखो एक चीज तो है कि डेवलप्ड है तो ठीक है चलो वो भी, मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि डेवलपिंग है तो खराब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिना देखे हो सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेवलपिंग होने के बावजूद भी हो, बट डेवलप्ड है तो ठीक होना चाहिए, ये अभी तक हमने केयर नहीं किया। अगर क्या कोई ऐसा भी कंट्री है जिसका डेवलप्ड हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, ये देख सकते हैं, इसके लिए चलो ये भी काम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक फिल्टर लाग चेक कर लेते हैं, अगर ये करना चाहो तो ये भी कर लो। ठीक है, जो भी पॉसिबल चेक करना चाहते हो चेक कर लो। तो स्टेटस में डालते हैं अपन डेवलप्ड नॉट डेवलपिंग, क्योंकि डेवलपिंग का तो हमने आइडिया ले लिया, डेवलपिंग का खराब भी है और बढ़िया भी है, पर डेवलप्ड का केवल बढ़िया है कि खराब भी है, लेस चेंजेस वन आल्सो। ठीक है, और हमें इसमें चेक करना था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या हो गया इसमें स्टेटस नॉट डिफाइंड। ठीक है भैया, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, डेटा स्टेटस स्टेटस ठीक तो है डेवलपिंग और डेवलप्ड राइट, सब तो मैं यहाँ पे भी भेजता क्या बड़ा दिक्कत हो डेटा डॉट कॉलम्स कॉलम्स है इसमें था स्टेटस राइट, इस स्टेटस को हमने फिल्टर लगाया स्टेटस पे डेटा, अच्छा ये गलती हो गई ना, अरे तो हमको यहाँ पर एक ये भी देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डेटा स्टेटस डेवलप्ड चाहिए हमको, ये लगा दो स्टेटस पे। ठीक है, अब हमको इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखनी है, तो यहाँ पर लगाओ लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इसका लगाओ मिनिमम, और देखो इसका मिनिमम 69 है राइट, कम मतलब एवरेज तो ऊपर है ना, एवरेज कितना था हमारा 69.22 था, और इसका इसका मिनिमम जो है वो एवरेज से ऊपर है लाइक 69.2, मतलब 69.2 से ऊपर है डेवलप, मतलब डेवलप के केस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मिनी एवरेज से ऊपर है। तो देखो ये हमने अब अपना इसको हो गया हमारा एनालिसिस, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक आगे काम आएगा, कभी रिक्वायर पड़ेगा मॉडल टाइम पर जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये जो कॉलम है इसका जो एवरेज वैल्यू है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो एवरेज है वो है ये। ठीक है, एवरेज जो है ए, अगर मेरा कोई डेवलपिंग नेशन है के केस में जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो गुड भी हो सकती है एज वेल एज नॉर्मल भी हो सकती है राइट, बट डेवलप्ड के केस में डेवलप्ड के केस में क्या होगी, लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होगी वो गुड होगी, मतलब सवाल नहीं पता होता, एवरेज से हाई होगी, गुड मतलब यहाँ पर मोर देन एवरेज है राइट, मोर देन एवरेज हो गया। तो हमने एक चीज तो अपना बैठा दिया सेट कर दिया, अब इसमें सोचने वाली भी बात नहीं है राइट, अब इसको चाहो तो सब उड़ा दो, हमारा काम हो गया, ये हमारा एनालाइज हो गया कि कोई भी डेवलप्ड नेशन है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बेटर है भाई, वो गड़बड़ नहीं है
किसी भी केस में। अगर डेवलपिंग नेशन है तो वो आप ये नहीं कर सकते कि डेवलपिंग होने का मतलब है कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो खराब है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है बट उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बेटर है। राइट, ठीक है, ठीक है ना शिशिर? आया ना यार, बोलो ना। यस या नो, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो ये क्या है, एडल्ट मोर्टिलिटी। बताओ ये क्या होता है, कोई पढ़ के बताओ फटाफट, बताना तुझे क्या होता है ये एडल्ट मोर्टिलिटी, बताओ कोई यार फटाफट। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज दिस? इसका एवरेज ये है, मैक्स ये है और मीन ये है। ये है तुम्हारा एडल्ट, ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है जो लोग 15 से जो मतलब जो बॉर्न हुए हैं, मतलब जो 15 पे हैं और जो 60 से पहले मर जाएंगे उनके बीच में। नहीं समझा, कब कब मरे, जन्मे कब मर जाएंगे? प्रोबेबिलिटी दैट दोज हु हैव रीच एज 15 विल डाई बिफोर रीचिंग एज 60। यार देखो ये ना वैल्यू बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी है क्या 263.0 समय। रुको देखते हैं क्या इसमें कुछ लिखा होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, देखो ये सब हमें आंसर करना है बट वो बाद में आएगा, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम आंसर कर पा रहे हैं एक ढंग से, ये पूरे इस प्रोजेक्ट के आंसर है। अगर सारे केस है सर, आई विल डिस्कस दैट बट अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते, अभी तो पहले हम बात करते ही होता गया है। क्या चीज़ था, एडल्ट मोर्टिलिटी। तो पढ़ो यार अगर पढ़ सकते हो थोड़ा, हो तुझे इतने पढ़ तो दो तीन आर्टिकल पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा तुरंत क्या है, अलग अलग आदमी पढ़ेगा तो अलग अलग आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख के आ रहा है, क्या लिखा है, डिफाइन प्रोबेबिलिटी दैट इफ अच्छा, तो इसका मतलब ये कि 1000 लोगों में कितने लोग वो हो सकते हैं, राइट? तो सीट देखो, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि 1000 लोग है उसमें से बात कर रहा है, क्योंकि अगर चलो देख भी लेते हैं वैसे तो क्या इसकी वैल्यू कभी मैक्सिमम 1000 से ज्यादा है क्या? आइडिया लग जाएगा 1000 ज्यादा होगा तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 723 है, मतलब 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? ठीक है, समझे बात को, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो अगर पढ़ना चाहो तो कोई और पढ़ लो, देखो लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट 15 ईयर ओल्ड पर्सन विल डाई बिफोर रीचिंग हिज हर 16th बर्थडे, मतलब 1000 में से पर 1000 में से कि पर 1000 थी ना, ठीक है 1000 में बोला, तो पर 1000 में कितने पीपल हैं जो कि अपने मतलब 60वें जन्मदिन से पहले डेथ हो जाएगी जिसकी, राइट? ये तुम्हारा एडल्ट मोर्टिलिटी, राइट? ठीक बात है, तो एक काम करते हैं ना, इसकी देख ही लेते हैं, हमारे वैल्यू तो हमारे पास आ गया, अभी आइडिया लग जाएगा हमें, नहीं हमारा जरूर आ चुका है। सो हम क्या करते हैं कि इस एडल्ट, हाँ यहाँ पर ना एक डमी वेरिएबल लेते हैं, डेटा वन, डेटा डेटा
और ये जो तुम्हारी मॉडल ट्रैक्टिविटी है इसको लिख लेते हैं, किसका मैक्सिमम था 7 to 3 प्रॉब्लम है। जिम्बाब्वे ओके, तो थोड़ा कम करते हैं ना, थोड़ा आइडिया आप में, तो जितना एग्जांपल दोगे ना उतना डेटा के बारे में बेटर आइडिया लगता चला जाएगा। और ये हमेशा करना चाहिए, इवन जब तुम वो करो ना तो भी इसको बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। जब तुम बिल्कुल किसी भी डेटा पर एनालाइज करो, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल दोगे ना उतना बेटर रिजल्ट समझ में आने लगता है। देखो वी टॉकिंग अबाउट, देखो देखो जितने भी हमने अभी क्या देखा, लाइफ एक्सपेक्ट जो एडल्टी एडल्ट मोर्टलिटी है 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा किसमें, देखो सारे देश जो एकदम वो एकदम जो पिछड़े देश ना, देखो लिसोथो ये सब पता नहीं कौन एकदम मतलब फालतू कंट्रीज है मेरे ख्याल से, तो टाइप देखो सीरिया टाइप की कंट्री आ रही है, ठीक है, ये पता नहीं क्या है स्वाजीलैंड, इट्स स्विट्जरलैंड नहीं है, पर देख लो ध्यान से, जम्बिया है, पता नहीं कौन कौन से, जिम्बाब्वे है, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री है, बट एक बार ना थोड़ा पढ़ के थोड़ा कम करके देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 50 से छोटी हो, बड़ी नहीं छोटी, आप देखते हैं देखो डेवलप प्लेस आना चाहिए, ठीक हो यहाँ पे देखो अफगानिस्तान, क्या बात कर रहे हो, फुल भी नहीं चाहिए भाई, और छोटा करेंगे, डिफिकल्ट है इसको ना, एक मिनट रुको ना, कंट्री देख लेते हैं सीधे, एक काम करते हैं कंट्री देख लेते हैं सीधे, देखो एक काम करो जरा मैं यहाँ से लिखो डेटा ठीक है, और एक यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं थोड़ा, तो इसमें डेवलप्ड कंट्री डालते हैं जैसे कि देखो अरे यूनिक भी इतना कम कम क्यों है, अरे क्या देख रहा है डेटा वन क्यों देख रहे हैं हम लोग, व्हाई यू आर ट्राइंग टू सी डेटा वन, डेटा वन तो देख लिया ना, अच्छा इसलिए गड़बड़ हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू सी डेटा वन ऑनली, ये हो गया ना देखा, इसको की बात हो गई है, ये हमने देखा ना 500 से ज्यादा तो की सारी कंट्री थी, लेकिन अगर हम 5 से कम देखना चाहते हैं डेटा डेटा 5 से कम पे ये सब कंट्री है, ठीक है ये है। अब इसको थोड़ा डेवलप प्लेसमेंट डालो, जैसे एक का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट, किधर था जी है, इसको कॉपी करके इसमें मैं पुट कर देता हूँ, और कोई बताओ डेवलप्ड नेशन पुट करो आइडिया लग जाएगा, जापान जापान दिख रहा है तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे, जापान की भी शायद अच्छा है, और कोई देखो चाइना भी यार, चाइना भी, सिंगापुर देख लो, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड देख सकते राइट, न्यूजीलैंड देख सकते, न्यूजीलैंड तो बेस्ट है इस एग्जांपल्स के लिए, न्यूजीलैंड देख सकते हैं, चलो फिर देखते हैं अफगानिस्तान में देख सकते, ये सब छोड़ो, ये वाले तो ऑस्ट्रेलिया एक बार देख सकते हैं, पर छोड़ो
राम सर जर्मनी। हाँ जर्मनी देख सकते हैं, जर्मनी देख लो, जर्मनी ठीक है। ठीक है इतना काम हमारा चल जाएगा, इतने से मेरा काम चल जाएगा, काम करते हैं इतने से काम चल जाएगा। सो यहाँ लिखते हैं डेटा डेटा डॉट कंट्री डॉट इज इन वाई। देखो सो ये सारी कंट्रीज हैं और इनका एडल्ट जो मॉर्टलिटी रेट है वो ये है, यूनाइटेड स्टेट का ये है। हाँ डिफिकल्ट है यार बता पाना क्योंकि तो देखो अभी सब वैरी कर रहे हैं राइट। तो एक काम करते हैं ना ग्रुप बाई लगाते हैं यहाँ पे, अगर इतना कंफ्यूजन हो ना तो ग्रुप बाई लगा के एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए। डाटो डेटा डॉट ग्रुप बाई किसी को लिखने आता है? जी आर ओ यू पी ग्रुप बाई, किसी को याद है ग्रुप बाई? पक्का मुझे पता है किसी को याद नहीं होगा इस समय, है ना? ध्यान है भाई किसी को? तो कहाँ सर कैसी बातें कर रहे हो, ये सब ध्यान होता तो यही होते। ये तो बस जब एग्जाम आता जब देखेंगे, जब काम आएगा तो पूछेगा तो है कि नहीं। अगर एवरेज के लिए क्या लिखना होता है मीन ना, तो ये आ गया भैया और इसमें कर दो तुम डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये है तुम्हारा, अब देख लो तुम एवरेज निकल गया तुम्हारा, अफगानिस्तान का इतना है ये सब है। अब इसमें तुम जो इसको सेव कर लेते हैं डेटा वन में, अब तुम्हें जो कंट्री निकालना है ना इसको निकालो, तो एवरेज से ज़्यादा बेटर समझ में आया क्योंकि वहाँ पे ना समझ में नहीं आता। अब डेटा वन यहाँ पे डाल दो ना, हो तो डेटा वन कंट्रीज इन वाई। ये देखो तुम्हारा विकसित कंट्रीज है और जो ये हैं इनके थोड़ा सा ज़्यादा है। अफगानिस्तान का 56 है ये ना, नहीं यार ये तो बहुत कम है इनका। और ये तुम्हारे यार सही जा रहा है ना काम कार्यक्रम? नहीं जा रहा सही, सही तो जा रहा है एडल्ट मॉर्टलिटी सही है ना, एडल्ट मॉर्टलिटी। सो इनका क्या है जर्मनी वगैरह का ज़्यादा है, तो एक बार यार थोड़ा सा इनका भी लिस्ट बनाई लो क्योंकि आइडिया नहीं रख पाएगा। एक बार थोड़ा सा नॉन डेवलप्ड नेशन नहीं बना लो, वैसे तो यहाँ पर आ ही रहा है तुम्हारा, अफगानिस्तान है अरबिया है सब कंट्री जो है वो डेवलप तो नहीं है। तो एक काम करो ना डेटा वन में ना चेक करो जरा। अब देखो ये अफगानिस्तान का 269 है, हाँ एवरेज से आइडिया लगता है ठीक है। और कोई कंट्री, अब कोई थोड़ा जैसा कंट्रीज का नाम बताओ जरा थोड़ा सा ना नॉन डेवलप्ड। अल्जीरिया का है 108 है, ये क्या है अल्बानिया पता नहीं ये विकसित लग रहा है। ये देखो जिम्बाब्वे कितना हाई है। अब देखो ये क्या है एक्चुअली, अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही है थोड़ा बहुत, अगर तुम देख पा रहे होगे तो दिख रहा है तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल रही है। एक काम करो ना इसको ना यहाँ पे लगाओ डेटा वन ठीक है, और डेटा वन पे लगाओ इस पे जरा, अब तुम लगा दो आराम से वो अपना। देखिए देखो वो एक दो डेटा था ना कभी आइडिया लगा सकते तुम, तुम्हें तो लगाना पड़ेगा एक विगर मतलब थोड़ा एवरेज पे तभी लग पाएगा आइडिया। अब जरा तुम इसको करो, मान लो तुम ग्रेटर देन 200 लिखो ठीक है और इसको बंद कर दो, ठीक बात है? हाँ ठीक बात है। देखो 200 से ऊपर के सारे देखो जो ये सब देश हैं, देखो ये सब के सब एक फिनलैंड दिख रहा है 2 से ज्यादा 68 से चल गया। अच्छा यहाँ पर डेटा वन चाहिए, देखो यहाँ पे
अब देखो ये तुम्हारी कंट्रीज है सब, देखो इसको आर एबल टू फाइंड इट, इज देयर एनी कंट्री जो डेवलप्ड आपको दिख रही है इसमें, इस लिस्ट में? और जरा फटाक से यहीं पे ना लेस देन ला के भी चेक कर लो, ग्रेटर देन था ना, जरा लेस देन 50 चेक कर लो या 60 चेक कर लो कुछ, ये ग्रेटर देन नहीं लेस देन, देखो ये लेस देन पे देखो ये कौन कौन सा कंट्री, आर यू डोंट सी स्विट्जरलैंड 55, ये तुनिशिया कुछ कंट्री होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 58, क्यूबा सही क्या है ये टाइप जो भी होगा, आइसलैंड, इजराइल देखो 59, इटली 54, जापान, पुर्तगाल, सऊदी अरब। सो कहने का मतलब ये है कि इफ योर कंट्री इज लाइक मतलब नॉन डेवलप्ड आर मेबी डेवलपिंग, एडल्ट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है राइट, और इस केस में डेवलपिंग डेवलप्ड केस में एडल्ट मोर्टेलिटी बहुत लेस है राइट, इसका मतलब एडल्ट मोर्टेलिटी रेट किसी भी कंट्री के लिए खराब ही होगा, वैसे होना भी चाहिए, एडल्ट मोर्टेलिटी हमने देखा भी था थाउजेंड्स में से वो कितने लोग हैं जो अपने 60th बर्थडे नहीं मना पाएंगे, इसका मतलब मनाना चाहिए ना, जितना ज्यादा इसका मतलब खराब नेशन है राइट। देखो ये हमारे पास दो कॉलम्स का एनालाइज हो गया ढंग से, ये है तुम्हारा अगर हमारा डेवलप्ड नेशन है तो क्या होना चाहिए, ये जो है वो बहुत लो होना चाहिए राइट, और अगर डेवलपिंग का केस है तो बहुत हाई होना मतलब हाई होगा ये, यहाँ पे देखो तो सीधा सीधा रिलेशन है भाई है ना, ऊपर वाला रिलेशन नहीं मिल रहा था बट यहाँ पे तो है कि मिलेगा हाई। अब किसको किसको बात समझ में आ गई बताओ, इन दो कॉलम में किसी को दिक्कत परेशानी तो जस्ट लेट मी नो, किसी को है दिक्कत परेशानी इन दोनों कॉलम में? देखो तो इन्हीं बेसिस पर हम इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन है ना इसी बेस पर हम इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बोलो, किसी को डाउट है तो इन दोनों में, एनीवन एनी डाउट एनीवन जस्ट लेट मी नो, किसी को किसी भी तरह का दिक्कत है इसमें? देखो अभी थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा लेकिन अगर तुम इसको नहीं समझ पाओगे ना सो यू विल नेवर आंसर इट, ठीक है, कभी इसको आप आंसर नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में मतलब कभी भी यू आर नॉट एबल टू मेक अ बेटर मॉडल, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो डेटा को, दैट्स व्हाई कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे ना तुम एज एमएल इंजीनियर एज डेटा साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डीलिंग विद डेटा एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अगर नहीं करोगे ना तो तुम ऐसे गलत रॉन्ग डिसीजन लोगे, आपको आइडिया नहीं लगा कितना रॉन्ग डिसीजन लोगे, रिमेंबर मैं इस तुम्हें इस दिखाऊंगा तुम्हें इसमें रॉन्ग डिसीजन दिला करके। और अच्छा ये बात बताओ मतलब एक मिनट रुको, ठीक है तो दो चीज हो गई, दो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडल्ट मोर्टेलिटी दो चीज हो गया, अब ये क्या है इंटेंस डेथ, ये पता नहीं क्या है, इस एल्कोहल तो सबको पता है क्या है ना, देखना पड़ेगा इन्फॉर्म डेथ क्या होता है, we'll see that also, let's check it, let's check it, इसको देखना पड़ेगा, तो मिनिमम जीरो बोल रहा है मैक्सिमम ये, तो इसमें शायद कुछ वो भी होगा, 20 मिनिमम भी जीरो है, 25 परसेंटाइल भी जीरो है, 50 परसेंट ये मतलब आउटलायर है ना राइट, ये आउटलायर है। देखो इधर इसका मिनिमम एवरेज 30 है राइट, मैक्सिमम ये है मतलब ये आउटलायर है, क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यू होने तो एवरेज तो ये है 30 है, अगर 30 एवरेज है और इतना काउंट है तो मैक्सिमम तो ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये ज़्यादा टेल बन रहा होगा या कोई होगा उसको हटा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 170 है राइट, तो ये इसको हटा देंगे, ये इम्पैक्ट कर लो,
1800 है या इसके बाद 4 जीरो? 1800 है, आई थिंक 1800 भी ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि एवरेज जो है वो 30 है ना, 30 है 70, पर ये ज़्यादा लग रहा है, ये कुछ गड़बड़ है, आउटलायर है, देखना पड़ेगा क्या है, उसको हटा देंगे ठीक है, बट इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो सी एक काम करो सभी लोग, आपको मैंने डेटा दे दिया है, जरा आज 1-2 घंटा बैठिए, थोड़ा पढ़िए इस डेटा के बारे में, राइट, गिव सम टाइम टू दिस डेटा, ट्राई टू लर्न सम इन दिस डेटा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, एंड देन टुमारो विल डिस्कस मोर। मतलब देखो थोड़ा टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने में, बट एनालाइज अगर कर लोगे ना सो यू लाइट इन यूर सीवी, क्योंकि एनालाइज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना, एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सब कुछ इसको धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा पूरा सब कुछ का, ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।